सो हे गाइस वेलकम बैक। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने रिस्पांस मेरे को बहुत अच्छा दिया था, इतने सारे कमेंट्स डाले थे, तो आज मैं इसके ऊपर दूसरा वीडियो लाया हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू ऑन MSRIT के ऊपर। और मैं इस वीडियो में जो पिछले वीडियो में जो मैं टॉपिक्स कवर नहीं कर पाया था, मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी मेरे को सिर्फ 3 महीने हुए MSRIT में। जितने हो सके मैं उतने टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा, जितना मेरे को पता चला है, जितने मैंने अपने सीनियर से बात करी है, मेरे जो एक्सपीरियंस हुए हैं वहाँ पे, मैं वो आपको बताऊँगा। प्लस कई लोग मेरे को कमेंट्स में पूछ रहे हैं, भैया MCA के बारे में बताओ, भैया BBA के बारे में बताओ, भैया MBA के बारे में बताओ, भैया और भी जो ब्रांचेस हैं, और भी जो फील्ड्स हैं, और भी जो कोर्सेज हैं मेडिकल में, उनके बारे में ही बताओ। तो मेरे को अभी इतनी नॉलेज नहीं है उनके बारे में, थोड़ी बहुत है, बट वो एक मिस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहता, एक गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कराना चाहता। जब मैं अपने दोस्तों से और मैं अपने सीनियर्स से पूरी बात कर लूँगा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे पास गैदर हो जाएगी, मैं MCA के ऊपर, मैं MBA के ऊपर, मैं BBA के ऊपर, मैं मेडिकल के ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं उनसे बात बात कर लूँ। तो जैसा कि इस वीडियो में हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं, प्लेसमेंट, फीस और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी, और जो अदर टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उनको कवर करेंगे। तो 3 महीने में जो मैंने वहाँ पे देखा, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्लेसमेंट। जो भी MSRIT में आ रहा है वो कहते हैं प्लेसमेंट्स कैसी हैं, CSE, ISC, EC, मेडिकल, मैकेनिकल और बाकी जो अदर ब्रांचेस हैं वहाँ की प्लेसमेंट कैसी हैं। तो प्लेसमेंट MSRIT में डिसेंट है, CS, ISC, EC तक की आपको प्लेसमेंट डिसेंट मिलेगी, मतलब 100% बच्चे जितने भी हैं बैठने वो प्लेस हो जाते हैं। और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, ये जो एक बच्चों का सवाल होता है, तो मासिक्यूटर्स, अगर हम दो कंपनियों को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक मासिक्यूटर, एक जो बिग कंपनीज होती है, बिग MNCs जो अच्छा पैकेज देती हैं। मासिक्यूटर्स में आपकी TCS आ गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, तो ये क्या करती है, बहुत सारे बंच में एक साथ बच्चों को उठा देती हैं विद लोअर पैकेजेस। इनके पैकेजेस रेफर करते हैं 4 लाख से हाइएस्ट 6 लाख तक। तो TCS और ये सारी ऐसी 4 to 5 लाख 6 लाख आपको देंगी अगर आप मासिक्यूटर्स रिक्यूट करते हैं आपको। और अगर आपकी कोई ड्रीम कंपनी आती है, जैसे MSRIT में ड्रीम कंपनीज भी आती हैं, गोल्डमैन सैक्स आती है, अमेजोन आती है, गूगल आती है और अडोबी भी आती है, तो ये सारी कंपनीज आती हैं, बट इनकी एक डिमांड होती है कि ये कुछ जो अच्छे बच्चे जिनके स्किल्स बहुत अच्छे हैं ये उन्हीं को लेती हैं। तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। प्लस CGPA, जो कई बच्चों ने मेरे को डाउट में पूछा था, भैया CGPA का क्या सीन है वहाँ पे, तो 8 CGPA मेंटेन करके रखो, करीबन 8 तो मेंटेन करके रखो, क्योंकि मैं जब अपने सीनियर से मिला था, हमारा ओरिएंटेशन था DSE का, DSE एक कोडिंग क्लब है MSRIT में, तो वहाँ के सीनियर से जब मैंने बात करी तो उनने मेरे को बताया कि आपको 8 CGPA तो रखनी है, मतलब अगर आप 8 रखोगे तो आप एक अच्छी पोजीशन पे होगे, 7.5 भी अलाउ कर देती है, बट 8 इज़ अ सेफर साइड, अगर आप 8 CGPA रखोगे तो सारी कंपनी आपको अलाउ कर देंगे, आप सब कंपनियों के प्लेसमेंट में बैठ पाओगे, कोडिंग राउंड में बैठ पाओगे। अब ये कह रहे हैं कि नॉन टेक, मैंने बोला था भैया नॉन टेक वाले बैठ सकते हैं, तो जो टेलीकॉम तक है, EC आ गया, टेलीकॉम आ गया, मैकेनिकल आ गया, इंडस्ट्रियल आ गया, ये लोग कुछ कंपनियां अलाउ करती हैं, कुछ कंपनियां अलाउ नहीं करती। अमेजोन हो गई, गूगल हो गई, ये कंपनीज अलाउ कर देती हैं, ये कंपनी सिर्फ आपको स्किल के बेसिस पे लेती हैं और आपके एक जो CGPA, अगर आपका स्किल है तो आप इन कंपनीज में आराम से रिक्रूट हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, उन्हें सीनियर से जब मैंने बात करी तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऑफ कैंपस भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑफ कैंपस भी मिल जाती है, और ऑफ कैंपस और अच्छी मिलती है ऑन कैंपस के कंपैरिजन में। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक पेटीएम वाला एग्जांपल दिया था कि भैया वो पेटीएम में 9 लाख की मिली थी, ऑफ कैंपस उन्हें 11 to 12 लाख निकाली थी। तो अगर आपको ऑन कैंपस नहीं मिलती है, बैंगलोर IT हब है, आप ऑलरेडी बैंगलोर में 4 साल के अंदर आप इतने कनेक्शंस बना लेंगे, इतने नेटवर्क बना लेंगे कि आप ऑफ कैंपस भी बहुत ईजिली निकाल लेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कहाँ हैं, कैसी हैं, अच्छी हैं या नहीं है, तो डिपेंड अल्टीमेटली आप पे करता है कि आपको कोडिंग कितनी अच्छी आती है, आपका कितना बेस अच्छा है। सेकंड चीज़ पे चलते हैं, अटेंडेंस। तो कईयों ने पूछा था, एक ने मेरे को पूछा था कि मैकेनिकल में मेरे को अटेंडेंस का जेंडर नहीं चाहिए, मेरे को कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, कुछ सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो अटेंडेंस ये है 85, इनने लिख के रखा है पेपर में कि 85% चाहिए, 80% तक आप चल जाओ,
75 तक टीचर्स को हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, बट 80% तक वो मान जाते हैं। तो आपको 80% तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज RVC का जो कंपैरिजन बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि MSID और RVC में से कौन सा ले, RVC नो डाउट अच्छा है, प्लेसमेंट वाइज अच्छा है, कैंपस वाइज भी अच्छा है MSID के मुकाबले, बट एक लीनियंसी जो कहते हैं RVC में नहीं है। RVC बहुत स्ट्रिक्ट है, उनके में ड्रेस कोड है, उनके में टाइमिंग्स है, और हर हफ्ते 2 टेस्ट देते हैं। MSID में थोड़ा लीनियंट है इस मामले में, अकेडमिक्स में आपको थोड़ा टाइम मिलेगा चीज़ों में, तो थोड़ा लीनियंट है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं अपने जो अदर चीज़ कर सकते हैं, एक जो साइड हसल है जिसको आप कह सकते हैं सरकारी की तैयारी करना, कोडिंग करना, तो वो आप वहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ फीस के बारे में। फीस मेरी गई थी कॉमेट के में जब मैंने दिया था 50,000 इनिशियल गई थी, जब कॉमेट के थ्रू काउंसलिंग कराते हो, एंड देन कॉलेज को गई थी 1,75,000 फॉर 1 ईयर। तो मेरी पहली साल की फीस अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास गई थी, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो एक साल का फीस है वो 2 लाख के आसपास होगा MSID में, इंजीनियरिंग में, BTech में। तो बाकी जो हॉस्टल फीस है वो 1.5 लाख पड़ती है आपकी, अकेडमिक वाइज फर्स्ट ईयर वालों को 1.5 लाख देनी पड़ती है, तो पूरे साल की नहीं, वो अकेडमिक वाइज होती है फीस, कि एक साल के बाद जब अगस्त में ख़त्म हो जाएगा तो आपका हॉस्टल ईयर भी ख़त्म हो जाएगा, तो 1.5 लाख होती है। और बाकी आप डिपेंड कर, अगर आपको 1.5 लाख नहीं देनी, आपका बजट कम है, तो आप PGs में रह सकते हो, प्राइवेट हॉस्टल्स में रह सकते हो, और भी अदर ऑप्शन है, क्योंकि MSID के आसपास बहुत सारे अकोमोडेशन बने हुए हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं सस्ते में, है ना। तो अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में क्रिकेट ग्राउंड के बारे में कह सकते हैं कि जो है कि क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। कई लोगों को पता है हमारे MSID कैंपस में क्रिकेट ग्राउंड नहीं, वो वहाँ से बाहर है। तो क्रिकेट ग्राउंड कैंपस के अंदर नहीं है, बाहर है कहीं पे, MSID के बाहर बना हुआ है क्रिकेट ग्राउंड। और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारे पास टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, अंडरग्राउंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, बट अभी कोविड के दौरान वो खुली नहीं है, तो स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं स्पोर्ट्स नहीं है वहाँ पे। स्पोर्ट्स जो कल्चर होता है प्रॉपर, अगर हम IITs में देखें, बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, बड़े बड़े फुटबॉल कोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट ग्राउंड होते हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे इतना नहीं है ये, तो स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा स्कोप नहीं है हमारे यहाँ पे। अब जैसे हम क्लब्स की बात कर ले, तो हमारा डेक्का क्लब है जो डांस और वो सब का करवाता है, और अब हमारे पास है DSC क्लब है, EDC क्लब है, तो ये 3 क्लब मेरे टाइम पे एक्टिव थे। EDC में मैंने पार्टिसिपेट करा था, DSC में जो इनका कोडिंग का होता है उनने ओरिएंटेशन में हमें बुलाया था, डेक्का के बारे में हमने सुना था, तो इन 3 क्लब के बारे में मैंने सुना था जब मैं 3 महीने वहाँ पे था। बाकी सारे क्लब इनएक्टिव थे जस्ट बिकॉज सीनियर्स के हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, मिड टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उस चक्कर में सारे क्लब इनएक्टिव थे। बट जैसे जैसे मेरे को क्लब्स के बारे में पता चलेगा मैं और आपको बताऊंगा। और अभी तो जितना हो सके मैंने वीडियो में कवर करने की कोशिश करी, फीस मैंने कवर कर दी, प्लेसमेंट्स कवर कर दी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कवर कर दी, और आगे कोई और टॉपिक अगर मुझसे रह गया है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसका फर्दर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि एक तो मेरे को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और तो उसके बेसिस पे बनाऊंगा, मैं एक मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता MSID के बारे में, जो मैंने ऑनलाइन खुद पढ़ी, कोरा पे पढ़ी थी, और बाकी जो अदर वेबसाइट्स है वहाँ पे जो MSID के बारे में लिखा है, तो थोड़ा सा हम उस मिथ्स को दूर करेंगे जो हम रियली में वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर बताना कि अगली वीडियो किस पे बनाएं। तब तक के लिए बाय।